बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। केले ले लिए मैंने 4 अदद, एक आम ले लिया है, 2 नाशपाती, 2 सेब, 2 कलर के अंगूर ले लिए हैं मैंने, 1-1 कप मिक्स फ्रूट कॉकटेल, छोटा डिब्बा जो होता है वो लेनी है। इसके अलावा 2 क्रीम के पैकेट हैं, 3-4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। सबसे पहले आप एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लें जिसमें मिक्सिंग करने में आसानी हो। उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे हम क्रीम, अभी इसमें ऐड करूंगी मैं चीनी, पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और इन चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसी में शामिल कर देंगे हम फ्रूट कॉकटेल, अंगूर, बाकी चीज़ें हम कट करके फिर इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले आम को छील लेते हैं, आम को कट कर लेते हैं। इसको ऐड कर देंगे हम, इसके बाद नाशपाती, अभी केले छील लेते हैं, केले को कट कर लेते हैं। केले और सेब हमेशा एंड पे काटे जाते हैं क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं। सेब को काला होने से बचाने के लिए आप उसके ऊपर लीमू या फिर नमक थोड़ा सा छिड़क दें तो वो काला नहीं होगा। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशल फ्रूट चाट बनाने के लिए आप जाएं बाज़ार लेके आएं। जो कुछ आपके घर में मौजूद है आप उससे बना सकते हैं। अब इसको भी ऐड कर देंगे बाकी फ्रूट्स के साथ। सबसे एंड पे मैं कट कर रही हूँ सेब, सेब का छिलका मैं नहीं उतारती क्योंकि छिलके से कलर बहुत अच्छा आता है, फ्रूट चाट में कलरफुल सी लगती है तो इसलिए मैंने छिलका नहीं उतारा। अगर आप उतारते हैं तो आप उतार लें। सेब भी कट चुके हैं, अब इसको बाकी फ्रूट्स के साथ ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अभी हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तैयार है हमारी फ्रूट चाट। आप इसे ठंडा कीजिए फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए, फिर इसे सर्व कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।